हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अलराजी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, अबाउट नेशनल एड्रेस का तो कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। चले मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको लिखना है अलराजी। यहाँ पे जब अलराजी लिखेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। जब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन इससे पहले अगर बताना चाहता हूँ कि अदरवाइज आप हमसे अब तक कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट हमसे करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे बात करना है या किसी प्रॉब्लम का सोल्व निकालना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। जब डाउनलोड होगा उसके बाद आप अकाउंट बहुत आसानी से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हर दो महीने के बाद, एक महीने के बाद नया नया अपडेट आता रहता है, नया नया तरीका आता रहता है। तो यहाँ से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल में दिखाता हूँ कि अकाउंट ओपन कैसे करते हैं डिटेल में इसका। तो यहाँ पर आप अपना लोकेशन को इनेबल करें। जब आपका लोकेशन इनेबल हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरह इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, उसके बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिंग वाला ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह एप्लीकेशन आपका खुल जाएगा। तो यहाँ सिंगअप का जो ऑप्शन दिया हुआ है तो सिंगअप वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखें यहाँ पे नीचे सिंगअप का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपना एकामा नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके अफसर अकाउंट में लिंक हो, जिस नंबर से आपका अफसर अकाउंट बना हो उसी वही नंबर आपको डालना है। ऐसे दूसरा नंबर डालेंगे तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद एकामा नंबर यहाँ डालने का ऑप्शन है, एकामा नंबर डाल दें। उसके बाद इसका जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ से प्रोसेस आगे की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से एक एक चीज आपको यहाँ से फॉलो करना होगा। देखें, जैसे ही टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा आपको। जब तक टर्म कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और कन्फर्म करता हूँ। उसके बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी कोड आएगा, वो ओटीपी कोड आपको इसमें फिलअप कर देना है। जब ओटीपी कोड फिलअप कर देंगे तो यहाँ पर देखे इस तरह इंटरफेस दिखेगा। आपके नंबर पे एक ओटीपी कोड आया होगा, देखे अभी जब कोड आएगा तो आपको डालना है। अदरवाइज यहाँ पे जब तक कोड नहीं डालेंगे तो आपका जो भी प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगा। आपका आपका एकामा पे क्या आपका जॉब दिया हुआ है वो जॉब आपको यहाँ डालना है। जो भी आपका जॉब एकामा पे दिया है वो जॉब आपको यहाँ डाल देना है। यहाँ डालने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। जो भी आपका जीमेल अकाउंट है, आप अपने जीमेल अकाउंट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपका जीमेल अकाउंट किस नाम से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। तो आपको अपना जीमेल अकाउंट डालना है। जब जीमेल अकाउंट डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे इनकम सोर्स, कि आपका क्या डालना चाहते हैं, सैलरी मंगाना चाहते हैं या इसमें क्या आप लाना चाहते हैं, पैसे कहाँ से आएगा, तो चीज़ को आपको डालना होगा यहाँ पे। जब तक यहाँ पूरा डिटेल नहीं फिलअप करेंगे तो आपका आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। देखे, जैसे मैं यहाँ पे जीमेल अकाउंट डालता हूँ, जीमेल अकाउंट डालने के बाद यहाँ पे आगे का प्रोसेस आपको ऑटोमेटिक मिलता जाएगा कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। जब तक आपका एक एक प्रोसेस, एक एक ऑप्शन आप फिलअप नहीं करेंगे तो आपको आगे की तरफ का रास्ता नहीं मिलेगा कि आगे इसके बाद क्या हमें करना है, कैसे करना है। जब आप एक एक चीज को इधर से फिलअप करते जाएंगे तो आपको आगे का यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता जाएगा। तो यहाँ पे देखें, सैलरी आपको सेलेक्ट करना है, आपका मंथली कितना सैलरी है। आप थोड़ा ज्यादा भी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका 1000 है तो 2000 भी डाल सकते हैं, 3000 भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका अगर देख अभी आपको ये नहीं लिए है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका नफात एप्लीकेशन में यहाँ से नोटिफिकेशन जाएगा। देखिए, यहाँ जो नंबर दिया है वही नंबर आपको नफात एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ मिलेगा। आपको एक्सेप्ट करना है। जब एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ पर
तो आपको अपना आपके फेस से वेरीफाई किया जाएगा। जब आपका फेस वेरीफाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट आपको सेम एप्लीकेशन पे ला देगा। देखे जैसे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जो मेरा नफात एप्लीकेशन है वो दूसरा मोबाइल में ही है, इसलिए यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। अगर सेम मोबाइल में होता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो नफात एप्लीकेशन है वो दूसरा मोबाइल में, मैं अकाउंट जो ओपन कर रहा हूँ वो दूसरा मोबाइल में कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे सर्चिंग ले रहा है, जो नफात एप्लीकेशन है वहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखें सर्चिंग लेने के बाद ऑटोमेटिक आपको यहाँ रीडायरेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे जो भी आपका नेशनल एड्रेस है वो आपको याद है तो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम, आपका मदर नेम, आपका ग्रैंडफादर नेम डालना है, आपका फैमिली नेम क्या है वो भी डालना है, जैसे आपका मदर का नाम, आपका माँ का नाम क्या है और आपका दादा का नाम क्या है, ये चीज को डालना है। इसके बाद ये आपको अपना नाम, आपकी मदर के नाम और आपके दादा का नाम उसमें अरबी में इंग्लिश में दोनों डालना है। दोनों अगर नहीं डालेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको ये नाम को अरबी में ट्रांसलेट कर लेना है। गूगल में जाएंगे तो गूगल में आपको जो इंग्लिश में नाम है उसको अरबी में कन्वर्ट करके आप डाल सकते हैं। वहाँ पे जो भी नाम आएगा उसको कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, देख रहे हैं आप, इसी तरह आप ही डाल सकते हैं। जो भी आपका दादा का नाम, आपके माँ का नाम जो है वो चीज़ आप इसमें फिलअप कर दें। उसके बाद आपका फैमिली नाम क्या है वो चीज़ को आपको इसमें डालना है। डालने के बाद आगे का प्रोसेस आपको मिलेगा। जब तक ये पूरा इस जो प्रोफाइल है पूरा फिलअप नहीं करेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। देखें यहाँ पे सेम इंग्लिश में अरबी में सेम डालना है। उसके बाद आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है आपका यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ दे रहा है, यहाँ पे आपका पहले से क्या जन्म जहाँ कहाँ हुआ है, कौन सा देश का आप है, वो आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सिटी है सिटी इसमें सेलेक्ट करना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक आप ये चीज को नहीं करेंगे, जब तक आगे आप नहीं बढ़ेंगे, एक चीज आप देख सकते हैं इसमें। इसी तरह अगर आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखें आपको नो कर देना है और यहां पे आपको अब अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाना है, क्योंकि जो भी आप एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे तो इसी यूजर नेम पासवर्ड से एप्लीकेशन में जाकर लॉगिन करेंगे। ये एप्लीकेशन ये जब तक याद नहीं रहेगा आपको तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। अगर दोनों चीज याद है तो कभी भी आप एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। अगर ये चीज को याद नहीं रखे फिर आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना बहुत मुश्किल होगा, फिर आपको फॉरगेट करना है। फॉरगेट करके दोबारा से आपको अपना अकाउंट को अपना एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। अगर याद है तो आपको फॉरगेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे मैं सब कुछ डाल दिया। डालने के बाद यहाँ से हमें कंफर्म करने का ऑप्शन मिल गया। यहाँ से जब कंफर्म करेंगे तो यहाँ से पूरा हमारा जो भी डिटेल है वो डिटेल कंफर्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ भी गलत है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब इसको कर लेंगे उसके बाद आपका ATM का पिन बनाने का ऑप्शन मिलेगा। आपको अपना ATM का यहाँ पिन बनाना पड़ेगा। जब ATM का पिन बना लेंगे, ये पिन जो है आप जब तक ATM से पैसा निकालेंगे तभी इस पिन का जरूरत पड़ता है। ऐसे ATM का जो पिन अगर भूल भी जाएंगे तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट करके आप अपना पिन को चेंज कर सकते हैं। पिन चेंज करके कुछ भी आप पिन अपना बना सकते हैं नया। तो यहाँ से देखें जब पिन मैं डाल दिया, डालने के बाद यहाँ से कन्फर्म का ऑप्शन मिल गया। मैं यहाँ से कन्फर्म करूँगा, उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखें कभी कभी क्या होता है, बैक मारता है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ जैसे मैं डाल दिया सक्सेसफुली, जो भी मेरा अकाउंट है अकाउंट यहाँ से ओपन हो गया। लेकिन अभी कस्टमर बैंक की तरफ से कॉल आएगा, हमें कॉल को रिसीव करना है। कॉल रिसीव करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो डिटेल से ओपन हो जाएगा। देखें यहाँ जैसे मेरा अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। इसी तरह आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ओपन करने में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।